अभी जैसे आज हाउस की मीटिंग हुई है और हमारे साथ यहाँ के कमिश्नर हैं अशोक गर्ग जी, इनसे जानते हैं किस तरह के प्रस्ताव आए, क्या क्या मीटिंग में फैसले लिए गए, उस पर जानकारी लेते हैं। सर स्वागत है पहले तो। जी जी धन्यवाद। सर आज जैसे मीटिंग हुई हाउस की, किस तरह के प्रस्ताव आए, किस उस पर एजेंडे पर बातचीत हुई? देखिए मुख्य रूप से तो जो डेवलपमेंट वर्क्स हैं कुछ पार्षदों के पिछली मीटिंग से जो पेंडिंग थे उनके ऊपर चर्चा हुई है, और मोटा मोटा मुझे लगता है कि पार्षदगण भी इस मीटिंग में निगम के अधिकारियों की कार्य प्रणाली से मोटे तौर पर खुश थे, और काफ़ी कुछ काम भी हुए हैं, उन्होंने इसको स्वीकार भी किया है। और इसके अलावा एक ये एनडीसी का मसला भी आया है कि एनडीसी देने में देरी हो रही है, उसको थोड़ा उस टाइम को कम किया जाए, और कुछ फाइलें लोगों की प्रॉपर्टी टैक्स की करेक्शन की फाइलें भी थोड़ा लंबी हो जाती हैं, टाइम ज़्यादा लगता है। पार्षद हमारे जनप्रतिनिधि हैं, लोग उस एरिया के पार्षदों के पास जाते हैं अपनी समस्याओं को लेके, तो इस तरह की पार्षदों की मीटिंग में एक तो ये पता चल जाता है कि लोगों को असलियत में क्या दिक्कत आ रही है, तो इनकी फीडबैक के आधार पर आगे निगम की वर्किंग को अच्छा किया जाएगा। कुछ वाल्मीकि समाज को ज़मीन दाने का कोई मसला आया था, वो भी हाउस ने प्रस्ताव पास किया है। सर ना मुख्यमंत्री जी की घोषणा थी कि जो कि नगर निगम की जो ज़मीन है उस पर जो लोग रह रहे हैं, मालिकाना हक देने की बात थी, उस पर कहाँ किस तरह से निर्णय आप लोग ले रहे हैं और किस तरह से कब से वो शुरुआत होगी? देखिए वो लागू है केवल निगम या नगर पालिकाओं की दुकानों और मकानों पे, ज़मीनों पर नहीं है। ये थोड़ा सा हमें समझने की ज़रूरत है कि दुकान या मकान उस पर ये स्कीम लागू है, उसका पोर्टल लॉन्च हो चुका है, माननीय मुख्यमंत्री जी ने वो लॉन्च किया था, और लॉन्च करने के बाद अब लोगों को ये सुविधा है कि वो उस पोर्टल पर अप्लाई कर सकते हैं। उस पोर्टल पर अप्लाई करने के एक महीने के बाद उस पर हमें फैसला करना है, तो अभी तो मेरा सभी लोगों से अनुरोध है कि जो स्कीम का फ़ायदा उठाना चाहते हैं वो इस पोर्टल पर अप्लाई करें, ऑनलाइन अप्लाई करना है, और ऑनलाइन ही आपको अपनी मलकियत के या अपने कब्जे के जो सबूत के तौर पे कागजात हैं वो उस पर अपलोड करने हैं। सर जैसे ग्रीन हिसार बनाने के जो प्रयास है आप लोगों का, जैसे अलग अलग आप लोग जाते हैं मॉर्निंग में, अलग अलग क्लब आपको बुलाती है, वहाँ पर आप लोग पहुँचते भी हैं, तो फिलहाल कहाँ तक आप लोग पहुँचे और क्या लगता है हिसार के लोग कितने की रुचि ले रहे हैं ग्रीन हिसार को लेकर? बहुत खुशी होती है मुझे बताते हुए कि हिसार के लोग उम्मीद से ज़्यादा इसमें रुचि ले रहे हैं, बहुत अच्छा रिस्पॉन्स है। इस कोरोना ने हम सबको ऑक्सीजन के महत्व के बारे में सचेत कर दिया है, और मैं जा नहीं रहा, लोग बुला रहे हैं। तो एक गरीब व्यक्ति हैं, सफाई कर्मचारी, उनके लिए अपने बच्चों को पढ़ने के लिए लाइब्रेरी अलग अलग आप लोगों ने उद्घाटन भी किया, वहाँ कार्य भी चल रहे हैं, तो उसका किस तरह का रिस्पांस मिल रहा है? लोग जो आपने अपील भी की थी आप बुक ला के यहाँ छोड़ दें, उसमें कितने लोग रुचि उस देखने को मिल रही है आपको? हिसार बहुत अच्छा शहर है, हिसार के लोग बहुत अच्छे हैं, और जो हमने अपील की थी उसका बहुत अच्छा रिस्पॉन्स है। लगभग 10,000 किताबें हमारे पास इकट्ठी हो चुकी हैं, और अब सफाई कर्मचारियों के बच्चे और दूसरे बच्चे भी उन लाइब्रेरीज में आना शुरू हो गए हैं। परसों हमने यूनियन के साथ मीटिंग की थी, सफाई कर्मचारी यूनियन के साथ, उसमें फैसला लिया कि हर रविवार को हम अधिकारीगण भी लाइब्रेरी में मौजूद रहेंगे और सफाई कर्मचारियों के बच्चे वहाँ कंपलसरी आएंगे ताकि वो लाइब्रेरी को देखें। वहाँ पर हम लाइब्रेरी के साथ उनके लिए झूले या कुछ आउटडोर खेल का सामान, इनडोर खेल का सामान वो भी रखेंगे ताकि वह बच्चों की गतिविधि का केंद्र भी बने, और बच्चों को अपने सिलेबस की किताबें तो मिले ही मिलें, इसके अलावा जो कहानी की, उपन्यास की, पेंटिंग की, ड्राइंग की, इस तरह की किताबें भी बच्चे वहाँ से लेके जाएं, ताकि क्योंकि सफाई कर्मचारियों को अपनी इस हालत से मुक्ति का रास्ता और उनकी तरक्की का एकमात्र रास्ता केवल शिक्षा है, इसलिए उनके पास ज़्यादा से ज़्यादा साधन उपलब्ध हों, ज़्यादा से ज़्यादा किताबें उपलब्ध हों, ये करना निगम का कर्तव्य है और वो पूरा करने की हम कोशिश कर रहे हैं। कुछ कर्मचारी आपके गेट के बाहर ही धरना दे रहे हैं, उन लोगों की मांग है, कई बार धरना दे चुके हैं, उस मांग को लेकर जैसे कई कर्मचारी पक्के करने हैं, उस चीज़ को लेकर अभी आपकी ओर से किस तरह के पहल होगा और सरकार उस पर क्या कर रही है फिलहाल? देखिए शहर में दो तरह की सफाई कर्मचारी हैं, कुछ सफाई कर्मचारी ऐसे हैं जो ठेकेदार के अंतर्गत
नगर निगम के क्षेत्र में काम करते थे। नगर निगम उस ठेकेदार को पेमेंट करता था और ठेकेदार आगे उन सफाई कर्मचारियों को पेमेंट करता था। उन सफाई कर्मचारियों को हम नगर निगम के पेरोल पर ले चुके हैं। ये जो दूसरे सफाई कर्मचारी हैं ये हुड्डा के सेक्टरों में काम करते थे। हमारे तहत जो भी सरकार की हिदायतों के अनुसार जो एलिजिबल बनते थे उन सबको पेरोल पर ले लिया गया है। इनकी डिमांड है कि निगम की पेरोल पर लिया जाए, जबकि ये कर्मचारी निगम के ठेकेदार के तहत काम नहीं करते थे, निगम के लिए काम नहीं करते थे, हुड्डा के सेक्टरों में हुड्डा के लिए काम करते थे, उनको निगम नहीं ले सकता।